नमस्कार, आप देख रहे हैं बत्ता बिहार न्यूज मीडिया। मैं हूं आपके साथ रमाना सिंह। दिन भर ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे बत्ता बिहार न्यूज मीडिया के साथ। बढ़ती महंगाई व सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। रसोई गैस एवं अन्य वस्तुओं के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि व कमर तोड़ महंगाई के साथ ही सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ ही राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में तेगरा प्रखंड कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कांग्रेस भवन से प्रतिरोध जत्था निकाल कर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए तेगरा के मेन चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने किया, जबकि संचालन तेगरा नगर उपाध्यक्ष रणधीर कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार की गलत नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उपस्थित नेताओं ने प्रदर्शन में गगनभेदी नारे लगाए। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है, लेकिन मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई एवं भ्रष्टाचार दूर करने से कोई मतलब नहीं है। सरकार केवल देश को बांटने का काम कर रही है। प्रदेश दिल्ली गेट नारायण सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीति के तहत विपक्षियों के खिलाफ हर समय साजिश व नीचे दिखाने का कार्य करते आ रही है, इसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार आजादी के बाद पहली बारक दबियों के मुंह से निवाला छीनने की साजिश के तहत अनाज पर भी टैक्स लगाकर दूध, दही, पनीर, चना, चावल, दाल, सब्जी, मैदा और अन्य जीवन की बहुमूल्य उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लगाकर साबित कर दिया है कि सरकार की एजेंडा में अब गरीब और गरीबी कोई मायने नहीं रखता। वह सिर्फ कॉर्पोरेटिव और पूंजीपति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिला महिला सेल के अध्यक्ष रूबी शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ाकर गरीबों, शोषितों व पीड़ितों का जीवन जीना दुर्लभ कर दिया है, जिसको लेकर कहीं किसान तो कहीं विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित सिंह ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी आंदोलन करने की चेतावनी दी। मौके पर जिला महासचिव राजीव रंजन सिंह, नगर अध्यक्ष राम बाबू साह, उपाध्यक्ष रणधीर मिश्रा, बम्बम कुमार, राजेश कुमार उर्फ श्रवण, अमरजीत कुमार, मोहम्मद जाहिद, श्री राम सिंह, सविता सबनम, बद्री सिंह, रामचरित्र सिंह, भवेश सिंह, जीवेश सिंह, ब्रज किशोर चौधरी के अलावा दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। महंगाई भ्रष्टाचार के कार्य को दूर करेंगे, यह शपथ लेके आई मोदी सरकार। समझ रही है कि हम इसमें फेल कर चुके हैं। महंगाई अपार वृद्धि हो चुकी है, भ्रष्टाचार भी बढ़ चुका है, देश में बेकारी का करोड़ों करोड़ खड़ा कर दिया है। और इससे डर के कि कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी निश्चित रूप से इस सवाल को देश में उठा रही है, उससे डर के इतना भयभीत है कि वो दिल भ्रमित करना चाहती है मोदी सरकार। दूसरी तरफ जनता को ध्यान